लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। पाकिस्तान में संघ और प्रांतों के लिए हो रहा मतदान, शहबाज शरीफ ने डाला वोट। पाकिस्तान चुनाव। पाकिस्तान में बुधवार को संघ और प्रांतों के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। आज ही वोटों की गिनती भी होनी है। इसके बाद तय हो जाएगा कि इमरान खान, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो में से कौन पाकिस्तान का अगला वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री होगा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 3,459 उम्मीदवार नेशनल असेंबली की 272 सीटों के लिए चुनावी मैदान में है, जबकि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय असेंबली की 577 सीटों के लिए 8,396 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कुल 106 मिलियन यानी 10 करोड़ 60 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की PMLN और क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान की पार्टी PTI के बीच चुनाव में कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। जानकारों का मानना है कि 10 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले इस प्रांत को जीतने वाले के पास ही केंद्र में सरकार बनाने की चाबी होगी। PTI नेता इमरान खान को इस बार चुनाव में अपनी जीत का पक्का यकीन है, फिर भी इमरान कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वह एक या दो नहीं बल्कि 5 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान पंजाब प्रांत, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध प्रांत से चुनावी मैदान में हैं। वह कराची, लाहौर, रावलपिंडी, बनू और मियांवाली से चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2013 में उन्होंने 4 सीटों से चुनाव लड़ा था। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि चुनाव के लिए 85,000 मतदान केंद्रों में 3,71,388 सैनिकों को तैनात करेगी। देश के इतिहास में किसी भी चुनाव में यह सैनिकों की सर्वाधिक तैनाती होगी।